गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आप लोगों के सामने छोटा सा वाला ब्लॉग लेके आई हूँ। आज का मेरा ब्लॉग है कि अभी हम लोग जाएंगे दादी माँ के लिए पिठा बनाने के लिए। तो चावल थोड़ा भिगा दिया है मैंने तो मिक्सर में, तो मिक्सर में अभी हम लोग उसको गुरा करेंगे। इतना ज़्यादा तो नहीं पता। तो ये देखो चावल, ये ऑलरेडी मैंने भिगा के रखा है, थोड़ा सा पानी सूखने के लिए दिया है। तो अभी उसको मिक्सर में अच्छे से स्मैश करेंगे गाइस। तो उसके साथ साथ मैं अभी बेटी के लिए मछली फ्राई कर रहा हूँ। दादी माँ तो ये मछली नहीं खाता बोल रहे हैं, तो भी फ्राई तो खाता है। तो फ्राई करूँगी पहले, उसके बाद मैं जाऊँगी मिक्सर में क्या पीठा गुरा करने के लिए। तो वही है मेरा आज का ब्लॉग। दादी माँ घर जाने से पहले मैं उसको पीठा खिलाऊंगी। मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग नहीं करूँगी, तो सडनली से याद आ गया कि दादी माँ जितना दिन है उसके साथ मैं यादें हमेशा मेरा मेमोरी में कैद रखूँ बोल के। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर वो ऐसा मुझे बोल रहे पीठा खाने का मन है तो वो सब यादें मैं अपनी मेमोरी में कैद करूँ बोल के मैं आज ब्लॉग किया है गाइस। और सोचा आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँ बोल के अभी किचन रूम में ही मैं आप लोगों के साथ मतलब ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोग के सामने गाइस। तो आप लोग तब तक के लिए प्लीज एंड में जरूर रहिएगा। सो मेरा बेटी अभी अभी उठा है सो के, तो देखो उसका पापा उसके लिए एग रोल लेके एग रोल खिला रहे हैं। दादी मामी बैठ के टीवी देख रहे हैं, बंगाली सीरियल देख रहे हैं। और कल माँ था हम लोग के साथ, तो आज चला गया है। माँ को बोला था और 2 दिन रहो, लेकिन उसका भी घर में काम है, संसार है गाइस, परिवार है, तो कैसा छोड़ेगा। तो अभी परिवार थोड़ा सा ठीक ठाक है पहले से, बीच बीच में थोड़ा सा गड़बड़ होता है उन लोग का फैमिली में, तो क्या बोलो वही चलता रहता है। तो गाइस मिलते हैं। तो मैं अभी जाऊँगी मछली फ्राई करने के लिए, तो उसके बाद जाऊँगी पीठा गुरा करने के लिए। तो तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरा चैनल में रहिए। देखो मछली फ्राई करना शुरू कर दिया है मैंने, तो अभी मछली फ्राई होते होते धीरे धीरे जाऊंगी ये राइस भिगा वाला राइस लेके। खाना पकाते पकाते ये सब बनाऊंगी क्योंकि दादी माँ का बहुत इच्छा है नारियल का गुरा। तो माँ ने ऑलरेडी दोपहर में गुरा करके चला गया है, वो बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो मेरा बेटी तो पेट बहुत दर्द है, लेकिन वो आज पीठा खाने के बाद कल चला जाएगा बोल रहे हैं। मैंने बोला और भी रहो और दिन भी रहो, लेकिन खुद का घर है भाई, खुद का घर जैसा थोड़े ना दूसरों का घर होता है। हम भी जब भी किसी के घर में जाते हैं थोड़े ना हम लोग के मतलब जैसा घर जैसा होता है। तो दादी माँ को भी ऐसा वाला फील हो रहा है इस उम्र में भी, उसने मुझे पाला पोसा सब कुछ किया, तब भी देखो मेरे घर रहना नहीं चाहता गाइस। लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से सेवा जतना करने के लिए। जो भी हो मेरा दादी माँ है, मेरे माँ है। तो अभी जाएंगे पीठा गुरा करने के लिए, उससे पहले मुझे मेरा मछली को क्या बोलता हूँ उल्टाना पड़ेगा। इतना तो ज़्यादा हिंदी से नहीं आता गाइस, जितना आता है उतना समय बोल रही हूँ। तो ऐसे करके फिर जाऊँगी गाइस। तो दोपहर का थोड़ा सा सब्जी है, माने पका के गया है, तो इसलिए और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जो है वो खाएँगे, सर राइस बिठाएँगे बाद में। तो यही है, दादी माँ ने बोला गरम गरम पकाओ, गरम गरम खाएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं। बेटी भी हेल्प कर रहे हैं मुझे, मेरे साथ पकड़ो अच्छे से, मैं मुझे पकड़ना है, मत गिराओ इधर, मैं घुसाओ धीरे, रुको और थोड़ा सा मामा पकड़ो, मुझे पकड़ो, अरे गिरेगा तो बाद में गिरेगा तो कैसे होगा, मैं तुम सब करेगा तो कैसा होगा, जल्दी करना है ना। मेरा बेटी हर काम खुद करने का मन है, देखो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मेरा दादी माँ को देखो रहा नहीं, मतलब बैठा नहीं जा रहे, कुछ ना कुछ काम करना है, बस हो गया हम इतना ही है मामा, और नहीं डालते और नहीं डालते, हो गया। तो वो छल रही है, छक में से छल रही है अच्छे से। और मेरा बेटी देखो मुझे डिस्टर्ब कर रहे, मत करो डिस्टर्ब। तो चलो फिर से दूसरा ट्राई करते हैं गाइस। तुम्हारा
खराब है, देखो करंट चला गया है, अभी अंधेरों में बैठे हैं हम लोग। करंट नहीं है, करंट देखो, करंट नहीं है। हाँ देखो, मेरा बेटी तो बहुत खुश है, बिना करंट का बहुत खुश है। देखो तो अभी देखो आधा अधूरा रहा है, क्या करेंगे, करंट आने के बाद फिर से बनाएंगे। तो फिलहाल मैं जाता हूँ किचन रूम में मेरा मछली देखने के लिए। हाँ मछली पक रहे हैं बिना करंट का, अभी हम लोग अंधेरे में है। ये करंट जाने के बाद सिर्फ 2 घंटा रहता है ये वाला, हमने रखा है घर पे इमरजेंसी के लिए। तो ये तो इसके साथ तो करंट और मिक्सर मशीन तो नहीं चलेगा, तो सिर्फ मछली फ्राई कर रहा हूँ। और मेरा दादी वालों और मेरा बेटी लोग अंधेरा में है, देखो। किस्मत खराब है, सोचा था जल्दी जल्दी बना के दादी माँ को खिलाऊंगी, दादी माँ को भी और सब्र नहीं हो रहा है, सिर्फ जल्दी बना के खाना है। करंट आ गया, करंट आ गया, देखो 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 देखो, करंट आ गया, करंट आ गया। चलो 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 बनाते हैं, शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे। तो गाइस बड़ा से नहीं हो रहा है, बड़ा मिक्सर से, इसलिए छोटा वाला लेना पड़ा। छोटा वाला से अच्छे से मिक्स होता है, इसलिए अभी छोटा वाला से मैं बना रहा हूँ। बड़ा वाला से क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, छोटा से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बना रहे हैं। तो इतना तक हो गया है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा करके उसको बना के खिलाएंगे गाइस। तो फिर से इसको मिक्स करता हूँ, तो ये बनाने के बाद फिर से आप लोगों के सामने आएंगे गाइस। तो तब तक के लिए हम लोग ये वाला मिक्सर ग्राइंड करके ये बना लेते हैं, तो इन तक रहेगा गाइस। ये देखो मेरा दादी माँ छक रही है अच्छे से, पहले तो बहुत आता है पीठा बनाना, क्या क्या बनाना बहुत आता है, लेकिन अभी एज हो गया है इसलिए इतना ज़्यादा नहीं आता। पहले तो जब मैं बचपन में था बहुत ज़्यादा पीठा बना के खिलाता है गाइस, अभी तो उम्र हो गई है, अभी तो हम लोग का बारी है, हम लोग बना के खिलाएंगे। पहले उसका बारी था, अभी हम लोग का बारी आ रहे है। हमारा टाइम कौन खिलाएगा पता, हमारा टाइम कौन खिलाएगा पता नहीं, ये तो पता नहीं बना पाएगा कि नहीं ये छुकरी। ये देखो रेडी हो गई है, ये देखो माँ ने दोपहर में नारियल को थोड़ा स्मैश करके रखे गया है, ये गुड़ थोड़ा सा देंगे, दादी माँ का तो शुगर है। हाँ आ जाओ, ज़्यादा स्वीट देने से तो नहीं होगा क्योंकि मेरा दादी माँ का तो शुगर ज़्यादा है गाइस, तो बिना शुगर का मैं आज उसके लिए थोड़ा सा करके पीठा बनाऊंगी, लेकिन शुगर नहीं देने से भी वो चिल्लाएगा गाइस, तो क्या करेंगे, थोड़ा मीडियम करके बनाएंगे। तो अभी मिक्स करेंगे, पहले दादी माँ को आने दो, दादी माँ आने के बाद उस वो थोड़ा बोलेगा मुझे, मुझे भी आता है लेकिन वो कैसा खाना चाहता है वो वाला थोड़ा लेके मतलब आइडिया लेके बनाएंगे गाइस। मेरा बेटी भी देखो बनाना चाहते हैं, दादी माँ ने बोला है बाबेर पीठा। बाबेर, अच्छा अच्छा आता सा आता सी। मेरा दादी माँ के साथ में गुल में बात करना पड़ता है कभी कभी, मिक्स सब कुछ, हाँ हाँ मिक्स करके बात करना पड़ता है। ओ ओ ओ ठीक है। तो बाबेर पीठा बनाने के लिए बोला, पहला वाला ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था गाइस, वो फिर से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो वाला पीठा दादी माँ खाना चाहते हैं। तो बाबेर पीठा खाने से पहले नारियल को वो थोड़ा सा चीनी दे के, संदेश बोलते हैं हम लोग, संदेश है बनाना है, संदेश जैसा बनाएंगे, तो उसके बाद वो पीठा में ये वाला डालेंगे, उसके बाद पानी के साथ थोड़ा सा स्टीम दे देंगे, जैसा कि मोमो हम स्टीम देते हैं ना गाइस, तो ऐसा वाला। तो पहले कढ़ाई तो बिठा दिया है, तो गर्म होने के बाद थोड़ा सा ये वाला बिठाएंगे, तो अच्छे से स्मैश करेंगे, उसके बाद चीनी डालना है, अगर घूर है तो घूर भी डाल सकते हो। तो चलो हम लोग हमारा काम शुरू करते हैं गाइस, दादी माँ का डायरेक्शन से चलते हैं हम लोग। ये देखो मैंने डाल दिया है, फिर से एक हाथ से सब कुछ करना पड़ेगा गाइस। पहला वाला ब्लॉग में भी दिखाया था, अभी भी दिखा रही हूँ, ऐसा वाला बाबेर पीठा मेरा दादी माँ खाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे खिलाएंगे। दूसरी तरफ राइस भी बिठाया है, मछली तो पक गया है, तो राइस होने के बाद बेटी को खाना खिलाएंगे। दादी माँ तो बोल रहे खाना नहीं खाएगा, इतना रात लंबा है कैसा बिना खाना खा के सोएगा, दवाई भी खाना पड़ेगा। उसके बाद ये है स्वीट गुड़, ये वाला डालेंगे हम। तो चलो मैं थोड़ा बना लेता हूँ गाइस। ये देखो नारियल को हल्का सा करके मैंने गोल्डन बना के ले लिया है, ज़्यादा नहीं पकाया क्योंकि ये हल्का ही काफ़ी है। तो अभी जाऊंगी गर्म पानी के साथ ये पाउडर मिक्स करने, दिखाती हूँ गाइस बाद में कैसा कैसा
हम लोग बनाएंगे, तो साथ में ज़रूर रहो। गाइस ये देखो पीठा को कढ़ाई में गरम करके अच्छे से ले लिया है, तो उसके बाद इसके अंदर डालेंगे। गाइस मम्मा मत पकड़ो, नहीं तुम्हारा ले लो, तो तुम्हारा ले लो, ये थोड़ा नरम करना पड़ता है। देखो दादी माँ बना रहे हैं, तो चलो बनाता हूँ क्योंकि मेरा कैमरामैन तो नहीं है। कोशिश करूँगी आप लोगों को भी बनाने का टाइम दिखाने के लिए। गाइस तो साथ में रहो, बार बार वही बोल रहा हूँ, साथ में रहो, साथ में रहो। गाइस ये मेरा बेटा तो हमेशा हमेशा काम में बिजी कराता है और काम में टंग लड़ाता है। गाइस ठीक है, दादी माँ को बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। देखो ऐसा वाला बनाता है गाइस, पहला वाला ब्लॉग में भी दिखा था आप लोगों, मेरा बेटी देखो ये गरम लगने से फैसे चिल्लाओगे। तो ऐसे करके एक एक करके बनाएंगे, तो बाद में इसको स्टीम में डालेंगे। स्टीम में रखने के बाद ऑलरेडी क्या बोलो पक गया है गाइस, ऑलरेडी पका हुआ है, तो स्टीम में डाल के थोड़ा सा नरम करके खाना है। तो चलो मैं बनाता हूँ, धीरे धीरे होने के बाद दिखाएंगे। दादी माँ दादी माँ ने कैसा बनाया, मोटा हो गया। पहला तो आता था, अभी तो नहीं आता, जो इसलिए ऐसा हो गया। गाइस कोई बात नहीं, तब भी बनाया तो सही है उसने। तो फाइनल लुक हम लोग ने बना लिया है, नारियल भी ख़त्म है। तो अभी मैं जाऊंगी वॉश करने, और जो थोड़ा सा है वो मैंने स्टीम करने के लिए दिया है। दादी माँ भी हाथ धो रहे, तो देखो स्टीम थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा स्टीम करने के लिए दिया है। ये देखो वाह, थोड़ा देर के बाद पकेगा, तो उसके बाद फिर से दूसरा वाला बिठाएंगे। गाइस तो चलो मैं भी हाथ धो लेता हूँ, हाथ का देखो क्या बुरा हाल हुआ है। गाइस ये थोड़ा सा बचा कुचा कल थोड़ा सा फ्राई करके खिलाएंगे। तो ये होने के बाद अंदर का कलर और खाने के बाद कैसा होता है मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी। गाइस तो तब तक मैं थोड़ा हाथ धो लेता हूँ, बर्तन भी धो लेता हूँ, तो रहेगा ज़रूर। गाइस आप लोग यहाँ तक, आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। यही है हम लोग का आज का ब्लॉग पीठा। तो जो गाइस अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखो गाइस, कमेंट 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 कैसा लगा प्लीज़, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो गाइस। गाइस पहला वाला जो हम लोग ने बिठाया है गर्म पानी में, ये पक चुका है, तो अभी इसको उतारेंगे यहाँ पर, हॉटपॉट में गर्म करके रखेंगे, उसके बाद ये डालेंगे फिर से, तो बहुत टेस्टी होगा। मैंने बार बार बोला था आप लोगों को, पहला वाला ब्लॉग में भी दिखाया था, काश आज माँ होता आज वो पीठा खा के ज़रूर जाता, लेकिन माँ का किस्मत फूटा है गाइस, क्योंकि माँ नहीं है, उसको पीठा खाने का वक्त नहीं मिला है, तो वो चला गया। अभी मैं और दादी माँ हम खाएंगे, बोला था आज रहने के लिए, लेकिन वो नहीं रहा, चला गया है। तो क्या करेंगे, उसको भी पीठा खाने का मन था, तो लक अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं ज़रूर बना के खिलाऊंगी मम्मी को। तो फिलहाल अभी हम लोग खाएंगे गाइस। देखो स्टीम में पक गया है, तो अभी दादी माँ को खाने के लिए दे देंगे। हाँ दादी माँ को टेस्ट कराने के लिए देंगे। खाया देखो से, खा के देखो। मैं भी एक खाके देखता हूँ। ये देखो गाइस अंदर में अच्छा है, साधु सुनी टेस्टी है। मैंने खाया तो नहीं, तो देखो गाइस बहुत टेस्टी है, दादी भाभी खा रहे पकने के बाद ऐसा कलर आया है। वाओ बहुत 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 टेस्टी है, बहुत खा रहा, मेरे दादी माँ भी खा रहे और मेरा बेटी भी टेस्ट खा रहे। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। यहाँ तक आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, खास करके हम लोग का पीठा, देखो दादी माँ भी बहुत खुश है, बहुत दिन के बाद पीठा खा रहे, वो भी बहुत खुश है, उसके साथ साथ मैं भी खा रहा हूँ। गाइस हम लोग का पीठा बनाना सिस्टम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। तो अभी मैं आप लोग से विदाई देने वाली हूँ, ज़्यादा मेरा ब्लॉग लॉन्ग नहीं करूँगी, ज़्यादा करूँगी तो फिर से देर हो जाएगा। तो रात को खाना तो हम ज़रूर खाएंगे, थोड़ा सा दादी माँ पीठा खाने का मन था तो थोड़ा बना के खिला दिया है गाइस। तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा शेयर किया मैंने, आप लोग भी थोड़ा सा देखने के बाद खा लीजिएगा गाइस। अगर कहीं पर भी मेरा बोलने का, बातें बोलने का अगर गलत लगा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
सो अभी के लिए गाइस फिर मिलेंगे नया और एक ब्लॉग के साथ, तो टाटा एंड बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस एंड जतनो हर का हम।